अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एम्पोरियम मॉल में और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके साथ हम और आप मिलकर इंजॉय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये मास्क इसलिए पहना है कि क्योंकि कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल चुका है, लाहौर शहर में भी इसके वार बहुत तेज़ी से जारी हैं। सो हम सब जहां तक मुमकिन हो सके एहतियात करें, इसलिए ये मास्क अपनी सेफ्टी के लिए पहना है, ग्लव्स भी अपने और दूसरों की सेफ्टी के लिए पहने हैं और जितने भी लोग एम्पोरियम मॉल में आए हैं वो भी इस मास्क को पहने हुए हैं और अपनी एहतियात कर रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि एम्पोरियम मॉल अभी तो मेरा आज पहला शो है, मैंने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। एम्पोरियम मॉल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह हैंड सैनिटाइजर्स हैं और अंदर एंटर होने से पहले एंट्री गेट पर इन्होंने टेम्परेचर चेक किया, मेरा और सबका, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद अंदर आने दिया जाता है। फिर अंदर आकर भी बहुत ज़्यादा एहतियात है, मास्क के बगैर आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ग्लव्स आपने पहने हों, ग्लव्स पे थोड़ी बहुत रियायत भी है, सैनिटाइजर्स और बहुत ज़बरदस्त किस्म के SOPs हैं। आपने एक फासले पर खड़े होना है और उस फासला, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल बार बार बताए जा रहे हैं, आप उनको, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकते। तो बड़े अच्छे तरीके के साथ एम्पोरियम मॉल में SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने भी शॉपिंग करनी है तो किसी ऐसी सेफ जगह पर करें जहाँ पर जो ख़तरा है वो कम से कम हो, खतरे के चांसेस कम से कम हो। सो यहाँ पर ख़तरा उस तरह से नहीं है। आप सबसे मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा शो नहीं हो रहा था और एक दूसरा शो मैं कर रही थी सिचुएशन रूम, लेकिन अब आपको दोबारा से हम और आप में खुश आमदीद कहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेफ्टी जो है उसको मेक श्योर किए हुए होंगे। सो आज हम यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ गपशप करेंगे, चिट चैट करेंगे, पूछेंगे कि ईद से पहले उन्होंने किस तरह से शॉपिंग की, क्वारंटीन का वक्त से गुजारा, अब किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। सो लोगों की जाने बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किंजा है। किंजा, किंजा आप क्या करती हैं? मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में हैं और कितने अरसे के बाद घर से निकलने का मौका मिला? ये ईद के बाद ही आज पहला दिन निकले हैं। अच्छा, पहला दिन निकले हैं। ईद की शॉपिंग कैसे की? ईद की शॉपिंग घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे कैसे की? क्योंकि मामू वगैरह से लिए थे। मामू वगैरह से कैसे कपड़े ले लिए? मामू की शॉप है ना। अच्छा अच्छा, मामू की शॉप है, ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह से आपने ईद की शॉपिंग की जी। ये नहीं कहा कि चलो इस दफ़ा नहीं करते अगली दफ़ा कर लेंगे, ऑप्शन थी तो आपने उसको अवेल किया जी। अच्छा, 10th क्लास में आप हैं, इसका मतलब है कि आपको छुट्टियाँ दी है ना, स्कूल वगैरह बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। मज़ा आ रहा है इन छुट्टियों का? क्यों, मज़ा क्यों आ रहा है? मुझे तो वैसे भी होनी ही थी 3 महीने की। हाँ, तो वही अभी तक तो मेरी वही चल रही है। सही, ठीक, अभी तक आपकी वही छुट्टियाँ आगे चल रही हैं। लेकिन बहुत से मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं वो लॉकडाउन की इन छुट्टियों को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको तो होनी ही थी और सबको ही गर्मियों की छुट्टियाँ होनी थी, लेकिन आप मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा भी उठा रही है। अच्छा, ये जो लॉकडाउन था और ये जो इतनी अभी लंबी छुट्टियाँ गुजरी हैं और अभी भी छुट्टियाँ ही हैं, इनमें किया क्या? घर बैठे, घर इतिहास, घर बैठे थे। अच्छा, घर बैठे थे, घर बैठ के क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई कुकिंग, कोई एक्टिविटी, दूसरी पेंटिंग? अच्छा, कुकिंग में आपने क्या बनाया? बहुत कुछ बनाया, मसलन मोती बिरयानी वगैरह, स्पेगेटी वगैरह। स्पेगेटी, मोती बिरयानी, कौन सी बिरयानी? कोफ्ता बिरयानी। अच्छा, कोफ्ता बिरयानी आपको बनानी आती है? जी। कोफ्ता बिरयानी, कोफ्ते आप रेडीमेड खरीदती हैं या घर में खुद बनाती हैं? घर में। I don't believe you. आप कैसे बना सकती हैं? आती है मुझे कुकिंग। अच्छा, कुकिंग आती है, सही। मैट्रिक का रिजल्ट अभी आएगा जी, क्या इम्कानात है, कैसा आएगा? अच्छा आएगा इंशाल्लाह। दिल कह रहा है कि कोरोना की वजह से रिजल्ट डिले हो जाए या जल्दी जल्दी आ जाए? जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना? उसके बाद जो मार्क्स पे डिपेंड करेगा। दिल किस चीज़ पर है? दिल ICS। ICS के बाद क्या करना? जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। सही सही सही, चलें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और इसी तरह आप अपनी भी एहतियात करें, घर वालों की भी एहतियात करें और ज़रूरत के वक्त सिर्फ बाहर निकलना है, वैसे बाहर नहीं निकलना। और जब भी आना है एम्पोरियम मॉल ही आना, क्योंकि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं, सो यहाँ पर ख़तरा बहुत कम है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वलीद, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं ब्रांच हेड हूँ। सॉरी, ब्रांच हेड हूँ। अच्छा, आप इधर एम्पोरियम मॉल में ही जॉब करते हैं? ठीक, तो फिर कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद, जब लॉकडाउन के बाद एम्पोरियम मॉल खुला तो अच्छा, पहला दिन जो आपका था कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, अच्छे SOPs हैं। सही, SOPs तो वाकई बड़े जबरदस्त हैं और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। SOPs बड़े अच्छे हैं, लोकल मार्केट से ज्यादा अच्छे SOPs हैं। सॉरी, लोकल मार्केट से बाहर की मार्केट में अच्छे हैं। हां, एग्जैक्टली, लोकल मार्केट और जितनी भी मार्केट्स वैसे हैं, शॉप्स फॉलो भी कर रहे हैं, हां वहां पर इतने अच्छे SOPs नहीं है, लेकिन अगर हम मॉल्स वगैरह की बात करें, बिल्कुल अगर हम एम्पोरियम मॉल की बात करें तो बड़े जबरदस्त SOPs फॉलो हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद से पहले, चूंकि कुछ दिन पहले ही मॉल्स वगैरह को खुलने की परमिशन मिली, तो एकदम जो खवातीन थी वो ऑफिस से बाहर हो गई और हर कोई शॉपिंग करने के लिए उमड़ आया, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए लोग, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और आप क्या सोच रहे थे, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मॉल्स में नहीं हुआ, ऐसे मॉल्स में SOPs के मुताबिक ये एक, अच्छा मॉल्स में ऐसे नहीं हुआ, मॉल्स अच्छा, में ऐसे नहीं हुआ, मॉल्स में ये लोकल मार्केट में हुआ। हाँ। मॉल्स में जो जितनी भी शॉप्स हैं उतने कस्टमर, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है शॉप की, उस हिसाब से कस्टमर इंटर होते हैं। सही, मेरी अगर शॉप पे 15 कस्टमर लिखे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो 15 ही इंटर होंगे। अच्छा, उसके अलावा इंटर नहीं होंगे? जैसे नहीं, सही, मॉल में रश नहीं, अगर 15 इंटर होते ना मॉल की मैनेजमेंट आ जाती है हमारे पास। ओके, ओके, उसी टाइम, क्योंकि उसी टाइम हमारे पास आ जाते हैं, लड़के काफी हैं इनके, हम फैक्ट्री के लड़के हैं जो उन्होंने सिक्योरिटी पे लगाए हुए हैं, जो बंद है अभी तक, लेकिन उनके हमारे पास आए थे लड़के, आए तो बाहर निकाल देते हैं। पहली बात, हम इंटर करते ही नहीं इतने लड़के। सही, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो मॉल की मैनेजमेंट आ जाती है। अच्छी बात है ये, बिल्कुल एहतियात हर हाल में करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो लॉकडाउन वाला अरसा था, ये आपने कैसे गुजारा? ऑब्वियसली ये मॉल बंद था, आपको भी छुट्टी थी, घर क्या किया? कुछ नहीं, बस नमाज पढ़ी, रोजे रखे और बस। अच्छा, ये वैसे ये एक पुरसकून चीज थी उन लोगों के लिए जिनको लॉकडाउन में छुट्टी मिली कि आप घर रहें और फील्ड ही ऐसी अच्छे तरीके से इबादत करें। रिटेल फील्ड ही ऐसी है जिसमें बंदा छुट्टी नहीं कर सकता। हाँ। और ये रिटेल फील्ड वालों के लिए ज्यादा अच्छा हुआ था कि घर में रहे, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जो चार साल पांच साल जॉब कर रहे थे और घर टाइम स्पेंड नहीं हुआ था। सही, तो यानी कि ये एक पॉजिटिव पहलू है कोरोना का। तो मुझे ये बताएं कि वो रोजे रखे, इबादत की, इसके अलावा क्या किया? घर में वालदैन के साथ बस अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगर मूवी शूवी कोई सीजन वगैरह नहीं, तो इतना टाइम कैसे, दोस्तों से भी नहीं मिले? दोस्तों के साथ बस कुछ पकवान भी नहीं बनाए, घर में ही, मतलब उनको खाना बनाने का शौक होता, घर में कोई फैमिलीज में आ गए, कजन वगैरह या कोई इश्यूज बने तो उनके साथ एंजॉय किया। अच्छा, तो ईद फिर कैसे मिली, ईद कैसी गुजरी और ईद कैसे मिले इस दफा? हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है ना गले मिलने का, तो कैसे मिली, मिला या नहीं? नहीं, ईद नहीं किसी से मिले, बस दूर से ईद मुबारक दिया, मैसेज कर दिया, कोई भी आया, गले नहीं मिले किसी से, गले नहीं मिले, गिला भी नहीं किया। नहीं, गिला किस चीज का? अगर एक चीज है, अगर किसी को बीमारी होती है हमारी वजह से तो चीज गलत है, तो नहीं होना चाहिए। ईदी दी या ली? सारी बात है, बड़े घर में काम करते हैं, किसी से लेने देने तो देते हैं। अच्छा, मिलती है ईदी? मिलती है, अब मिलने वाले तो काम छोड़ के अब देने वाला जॉब कर रहे हैं, दीप है देने वाले। लेकिन वो मुश्किल नहीं लगा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार भी जरा रुके हुए थे, तो फिर ईदी निकालना? बिल्कुल ऐसे, आपको सैलरी वगैरह मिलती रही? सैलरी मिलती रही, हमारी कंपनी ने हमें दी है, अच्छी दी है, तो बड़ी जबरदस्त बात है, फिर आपने ईदियाँ भी दी? बिल्कुल, वरना कुछ लोगों के पास उस दफा ये बहाना था ना कि नहीं नहीं हमारी कंपनी ने हमें, जब हमारे रोजगार नहीं चले, पैसे नहीं मिले, सैलरी नहीं, रोजगार कम हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली हुआ, लेकिन कुछ लोगों को सैलरी मिलती रही है, लेकिन उनके पास ये बहाना था इस दफा कि हम ईदी नहीं दे रहे। देखने में आई है, लोकल मार्केट में जितना काम हुआ है ना उतना मॉल में काम नहीं हुआ इस ईद में, बिल्कुल नहीं हुआ। चल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम इरम। इरम, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ, आपका नाम क्या? मोमना। मोमना, ये आपकी बेटी है? जी। छुट्टियां हुई हैं मोमना आजकल? जी। मजा आ रहा है? दिल कर रहा है कि छुट्टियां ही रही हैं, अब दिल कर रहा है बस स्कूल खुल जाए। अब स्कूल जाए, स्कूल जाना ही, बस यही हाफिजा बन रही है। माशाल्लाह, जबरदस्त, मदरसे जाती है? जी, ये मेरी मदरसे से छुट्टी है? जी, नहीं नहीं, छुट्टियां इसको दो माह हो गई, दो माह हो गए छुट्टियां, तो अब दिल कर रहा है मदरसा खुल जाए। सही है, घर में रिवीजन वगैरह कर रही हो? कर रही। कौन से पारे पर हो? अभी शुरू ही किया मैंने। अच्छा, इंशाल्लाह 30वें पारे पर है। जबरदस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।
अल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी हाफ़ज़ा बनाए और फिर जो आप याद करें, हिफ्स करें, वो आपको याद भी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों का प्रॉब्लम होता है आगे जब लाइफ में जाती हैं तो मसूफियात ऐसी हो जाती हैं कि जो उन्होंने हिफ्स किया होता है भूल जाता है, तो ऐसे होना जी, नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह याद रखेंगे, इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, ये जो क्वारंटीन का टाइम था, अब तो चले लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो क्वारंटीन का टाइम था वो आपने कैसे गुजारा? बस घरों में ही गुजारा है। अच्छा, बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया? बच्चे बहुत सी माएँ ऐसी जो परेशान थी कि बच्चे अब हमारे सर पर नाच रहे हैं। जी जी, बात तो सच भी है, स्कूल खुले, लेकिन ये है कि एकेडमी वगैरह जा रहे थे, कुछ बैटरी थी, लेकिन बेटर था, कुछ तंगी भी थी बस। सही, तो इस तरह से आपने ये जो क्वारंटीन का टाइम था वो गुजारा है। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। उसके बाद ईद की शॉपिंग कैसी थी? बस ऐसे ही, कभी कोई खुल गई दुकान तो कर ली, वगरना पहले के कुछ पड़े हुए अच्छा, थे कपड़े, वैसे ही टाइम गुजर गया। अच्छा, वैसे ही टाइम गुजर गया। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ खवातीन ऐसी थी जिन्होंने बहुत लूट मार नहीं आपसे से बाहर हो गई जब उन्होंने देखा लॉकडाउन। नहीं, हम उनमें शामिल नहीं थे, हम जरा केयर में ही रहे हैं। जी जी, हम उनमें शामिल। सही। और उसके बाद जब ईद पर कोई मेहंदी लगवाई? नहीं लगवाई। चूड़ियाँ पहनी? नहीं। सैलून गए, फेशियल? नहीं, हमने घर में किया, जो भी किया हम अपनी केयर में ही रहे हैं। वैसे सही, और डरते ही रहे हैं बच्चों के भी। जी जी, डरते अब डर रहे हैं? नहीं, अब जरा कुछ हो गया कि चले, डरना अभी भी है, और डरने से ज्यादा अपनी एहतियात को यकीनी बनाना। जी जी, एहतियात यकीनी बनाई हुई है, एहतियात यकीनी बनाए और कोशिश करें कि जरूरत है तो घर से बाहर जाएं, वगरना ना निकले। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले तो जब आपने एंटर होना है तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो मास्क पहनने के बाद आप अंदर एंटर हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में लोगों को ख़ुद भी इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि अगर आप अपने घरों से बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने या वैसे मॉल वगैरह में आ रहे हैं, तो लाजमी मास्क पहने, ताकि आप ख़ुद को भी सेफ़ रख सकें और अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक लोगों को भी सेफ़ रख सकें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो एम्पोरियम मॉल की ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि जितने भी लोग हैं वो मास्क के साथ अंदर आ रहे हैं, जिसने मास्क नहीं पहना वो अंदर नहीं आएगा। अंदर आकर भी बड़े अच्छे इंतज़ाम है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यकीनी बनाई जा रही है, और इसके साथ साथ जगह जगह सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं। सो अच्छी एहतियात है, और अगर आपने बहुत शॉपिंग करनी है, इमरजेंसी है आपको, वैसे तो कोशिश करें घरों में रहें, लेकिन अगर आपने लाजमी निकलना है तो फिर आप लाजमी तौर पर एम्पोरियम मॉल आएँ, जहाँ पर आप ख़ुद को भी सेफ़ रख सकते हैं और अपने से जो मुंसलिक लोग हैं उनको भी सेफ रख सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम मौजूद हैं लाहौर के एम्पोरियम मॉल में, जहां पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। और अगर आपने बहुत ज़रूरी कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्पोरियम मॉल का रुख करें, जहाँ पर आप ख़ुद को भी सेफ़ रख सकें और अपने से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी भी जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर कर सकें। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे चिट चैट करेंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन, और आपका नाम? जैनब। ये आपकी बेटी हैं? जी, मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, आपकी बड़ी बेटी है। क्या शॉपिंग चल रही है एम्पोरियम में? शॉपिंग अभी तो जस्ट ग्रोसरी घर की लेने आए थे कुछ, तो और साथ में ये था कि चलें बच्चे ज़रा थोड़ा सा बाहर घूम फिर लें। अदरवाइज तो आपको पता, COVID-19 की वजह से सारी चीज़ें क्लोज थी, ना ये बच्चे कुछ शॉपिंग कर सकें, ना ही ये उस तरह से रमज़ान गुजार सकें, ना ईद की शॉपिंग हो सकी है, और ना ये ईद के 3 दिनों में ऐसा कुछ घूम फिर सकें। तो हमने कहा चलें एक ग्रॉसरी भी ले लेंगे यहाँ से, और थोड़ा सा बच्चे ज़रा फ्रेश भी हो जाएंगे। सही। तो ग्रॉसरी आपने ले ली, और आपने ईद की शॉपिंग नहीं की? थोड़ी बहुत की थी। थोड़ी बहुत में क्या शॉपिंग की? मतलब ड्रेस लिया था, और कहाँ से लिया था? जो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सरप्राइज था, मम्मी पापा लेके आए थे। अच्छा, कहाँ से लिया था इसका? मेरे ख्याल में ये J. का है।
तो ये अमाना मॉल से लिया था हमने, मेरा ख्याल है शायद। तो ये नहीं कि आप निकले थे अभी, आपने कहा ना हमने ईद की शॉपिंग नहीं की। हाँ बस थोड़ी बहुत, देखिए ईद का जो गहमा गहमी होती है वो इस दफा नहीं, वो नहीं थी। रमजान में भी उस तरह से रौनक नहीं। ऑब्वियसली लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं और एक इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हुई हुई है कि जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं तो मैंने कुछ 5 से 6 दफ़ा अभी तक मैं इनके हाथ जो है ना वो सैनिटाइज करवा चुका हूँ। मैंने अपनी जेब में खुद सैनिटाइजर रखा हुआ ताकि मैं बार बार निकाल के इनके हाथ जो है ना वो सैनिटाइज करवाता हूँ। तो ये एक वक्त की ज़रूरत भी है और हमें इसका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को सेफ रखेंगे तो ना सिर्फ हम अपने आप को सेफ रखेंगे बल्कि हम दूसरों को भी सेफ रखेंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही है। सो इसलिए सेफ्टी मेक श्योर करनी है और मास्क और ग्लव्स जितनी आप मैक्सिमम एहतियात कर सकते हैं अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो लाजमी करनी है। कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ में हो। छुट्टियाँ हैं, दिल कर रहा है छुट्टियाँ ही रहें या फिर दिल कर रहा है कि स्कूल जाए? अच्छा, दिल कर रहा है स्कूल जाए। मैंने बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे उनका दिल ही नहीं कर रहा, उनको इतनी आदत हो गई है उनका दिल ही नहीं कर रहा कि स्कूल कभी खुले। घर रह रहे के भी काफ़ी बोर हो गए ना, घर गृहस्थी सीख रहे हैं, खाना पकाना सीख रही है, तो बच्चे चाहते हैं कि बच्ची हम अपना काम शाम करें। छोटी है और खाना बनाना सीख रही हो, क्या सीखा अभी तक? मैंने मैक्रोनी सीखी है। अच्छा, किससे? मामा से सीखी? जबरदस्त। तो फिर बनाई, ट्राई की? यस। कैसी बनी? काफ़ी अच्छी बनी थी, अफ्तारी में ही बनाई थी। अच्छा, जबरदस्त, तो अच्छी बात है। अच्छा, और क्या क्या किया सीखा है? इतनी लंबी जो छुट्टियाँ गुजरी हैं कैसे गुजारी? अभी भी गुजर रही हैं। कोई एक्टिविटी? कजिन्स के साथ ही नई तरह की गेम्स सीखी हैं। कौन सी गेम्स? स्क्रैबल सीखी है और एलियास और काफ़ी। अच्छा, ये वो गेम्स हैं जिनका मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मेहंदी किसने लगाई? कज़न ने लगाई। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मेहंदी लगी मुझे। आप बताएं कि ऑब्वियसली आप भी घर में ही होंगे क्वारंटीन की वजह से। ऑब्वियसली मैं बेसिकली टीचिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, सही, तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सुपीरियर कॉलेज में। तो अब क्वारंटीन की वजह से ऑब्वियसली घर पे ही मौजूद। लॉकडाउन, क्वारंटीन ही, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से अब लॉकडाउन खत्म हो गया, पहले मैंने भी क्वारंटीन कह दिया। खैर, इट्स ओके। आप घर पर रहे तो आपकी बेगम आपसे तंग नहीं हुई कि बस क्या बच्चे भी घर पर हैं, हस्बैंड भी घर पर हैं, बस अब बस हो गई है? जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, मैंने सुबह 7:30 बजे कॉलेज पहुँचना है और तकरीबन मुझे 2-3 वहाँ पे बच जाने हैं। 1 से 1.5 घंटे की ब्रेक होती है, 4 बजे फिर एकेडमी स्टार्ट हो जाती है, 9-10 बजे आप फ्री होकर जब आते हो ना तो आप टोटली एग्जॉस्ट होते हो। तो मेरी फैमिली के लिए तो ये एक बड़ा वो लकी चार्म था कि लो जी ये लॉकडाउन है, घर बैठे हुए हैं, तो हमें ये टाइम दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर टाइम इनको दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि अच्छी साइड है, वरना कुछ खवातीन मैंने ऐसी भी देखी जो गिला कर रही थी कि क्या बच्चे और हस्बैंड दोनों घर पर हैं, हमारा काम डबल ट्रिपल हो गया। सो वो दुआएं मांग रही थी कि बस अब सब अपने अपने कामकाज पर जाएं। लेकिन आपकी फैमिली, मेरे घर में ये थोड़ा डिफरेंट, आपकी कदर कर रही है और इस टाइम को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, खुद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, और इसी तरह ही कोई चीज एक दिन ये बना लेती है, दूसरे दिन मेरी ड्यूटी लगा देती है, मैं बना लेता हूं। मिल के काम ही चल रहा है। इसीलिए अच्छा गुजरे क्योंकि आपका हेल्पिंग हैंड है। वेल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिबा है। हिबा, और आपका नाम? मेरा नाम अनाया है। अनाया और हिबा, हिबा कौन सी क्लास में है? आई एम एक्चुअली इन 7th क्लास में। और आप? एंड आई एम इन 2 2 ग्रेड में हो आप, ओके। अभी आप आजकल आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो कोई ऐसी स्किल्स जो आपने इस क्वारंटीन में एक्वायर की हो, एक्सप्लोर की हो खुद? आई डिडंट ट्राई सच थिंग्स, बट व्हाई डिडंट यू ट्राई व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम? Because our online classes are going on, so I didn't have spare time for anything else. How do you study through online classes? We have a Google Classroom where they give us work and we do it and then we send it on over there. Is it all satisfactory? Yeah, it's okay. Not such good, but it's okay. Satisfactory. And why are you here at Emporium Mall? Because yesterday was the last day of Eid and we received our Eid, so we came here to buy some gifts and soon there would be lockdown again, so no, we hope there won't be any lockdown again. Yeah, but there are chances of lockdown. So what have you bought from your Eid? Actually, I bought a purse. How much money you have right now in your purse? Right now I still have 5,000. 5,000, that's wonderful. Thank you. So kya kharida Eid ka? I bought a purse and headphones. Okay, yeah. That was it. Aur aapne kya kiya Eid ka?
I bought dolls and a bag. Doll? And where's your doll? On the bag. Okay, that's wonderful. बड़ा अच्छा लगा आपको उससे बात करके. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलीम. सलीम, सलीम आप क्या करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल में जॉब कर रहा हूँ. सही सही सही. और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम मॉल. बस यहाँ पे मैंने कहा देख लें, थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद ईद का दिन गुजरे हैं, तो मैंने कहा जी ईद का चौथा दिन है, तो टीवी में देखा था कि मतलब खुल गए हैं मॉल. हाँ, खुले हैं. तो मैंने कहा जरा चेक कर लें कि क्या लोगों का आना जाना है. अच्छा, आप सिर्फ चेक करने यहाँ पर आए? हाँ, मतलब देखा था कि कोरोना का इतना जो एक दहशत सी तारी हुई है हम लोगों पे, तो उसको अपना व्यू भी तो लेना चाहिए. ठीक है, अभी खरीदा कुछ नहीं यहाँ से? अभी मतलब विंडो शॉपिंग कर रहे हैं. विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि क्या लिया जाए. लेकिन जो हालात पहले गुजर गए हैं वहाँ पे लोग तो बिल्कुल ही. ये जो क्वारंटीन वाला टाइम था और लॉकडाउन वाला टाइम था, हर कोई अपने अपने घरों पर था, कैसे गुजारा ये टाइम? बिल्कुल जी, वो अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट मतलब ये कि हमें कुछ ऐसी कॉशन दे रही है कि हम अपनी एहतियात करें. नहीं नहीं, आपने घर पर टाइम कैसे गुजारा? टाइम तो घर पे हमने गुजारा, लेकिन अपने आप को कैद करके गुजारा है. अच्छा, कैद कैसे किया? कैद? जंजीरों में जकड़ लिया. जंजीरों में तो नहीं जकड़ा, देखा जाए तो जंजीरों में जकड़े हुए थे. हाँ. तो बस फैमिली में ही थे, मतलब कि बाहर निकल गए तो फिर भी खतरा होता कि यार कोई बंदा मिला है, किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने देखा, तो हमें कोरोना ना हो जाए. तो कोरोना का जो एक खौफ है ना, वो हर बंदे पे मतलब आशिक हुआ था कि ऐसे ये भी आशिक होती हैं चीज़ें. ये तो मुझे पहली दफ़ा पता लगे ये चीज़ें. सही. ये फिर भी नहीं आपने बताया कि घर पर आपका टाइम कैसे गुजरा? बुक्स पढ़ी, कुकिंग की, सोते रहे? ठीक, उसमें ये फिर अपना ये के मोबाइल के ऊपर जो है टिकटॉक देखते रहे हैं. अच्छा, आप टिकटॉक भी देखते हैं? डेफिनेटली जी, टिकटॉक तो आपको पता है. फिर बनाते भी हैं? अब सोचा है कि कुछ मतलब. अच्छा अच्छा अच्छा, टिकटॉक आपको पसंद है? टिकटॉक है. टिकटॉक सस्ती शोहरत नहीं है जी? सस्ती शोहरत नहीं है? डेफिनेटली जी है, मतलब है, बिल्कुल है. अच्छा, टिकटॉक के अलावा और आपने क्या किया? उसके अलावा बस अपनी बुक रीडिंग करता रहा हूं. अच्छा, कौन सी बुक पढ़ी? मैं कुछ ज़्यादातर ये नफसियाती किताबें पढ़ता हूँ. नफसियाती किताबें क्यों पढ़ते हैं? नफसियाती लोगों की नफसियात चेक करता हूँ कि कुछ लोग अपनी नफसियात का आपको पता है कैसी है? मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं इसलिए लोगों की नफसियात चेक कर रहा हूँ कि मुझे अपनी नफसियात पे कॉन्फिडेंस है, और दो लोगों के ऊपर थोड़ा सा डाउटफुल है कि लोग किस तरह के हैं, मतलब चेक करना चाह रहा हूँ. ठीक है, आपने नफसियाती किताबें पढ़ी, ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है कि ये कह रहे हैं मैंने नफसियाती बुक्स पढ़ी हैं और इसके अलावा टिकटॉक देखा है. अच्छा, और उसके अलावा ये हमारे इलामे इकबाल की बुक्स हैं, वो ज्यादातर पढ़ते हैं. कहाँ नफसियाती किताबें और कहाँ एकदम मतलब ये तो हर इंसान का अपना दिमाग है कि वो किस वक्त डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, वो एक चीज बार बार पढ़ते फिर थोड़ा सा चेंज तो होता है ना हर चीज में, तो यही होता है कि अब एक जॉक भी है कि सही. चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. अच्छा, मौजूद हैं लाहौर के एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम और आप इंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्वारंटीन और लॉकडाउन का टाइम उन्होंने कैसे स्पेंड किया, ईद की शॉपिंग कैसे की. अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे. आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे. अभी हम कुछ और लोगों के पास चलेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, और सिर्फ शॉपिंग के लिए बाहर आए हैं, विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं, या सिर्फ एंजॉयमेंट के पर्पज़ के लिए आए हैं. सो कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे चिटचैट करते हैं. लेट्स गो. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मेहरुन्निसा. मेहरुन्निसा, आप क्या करती हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही. अच्छा, अभी आप कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन जो लॉकडाउन वाला टाइम था
वो आपने कैसे स्पेंड किया? या आपके घर में जो बच्चे होंगे उनको छुट्टियाँ होंगी, जो मर्द हजरात होंगे वो काम काज पढ़ने जा रहे होंगे, तो वो कैसा टाइम? जी ऑलमोस्ट सब ने घर में ही स्पेंड किया है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए भी कुछ नहीं है और वैसे भी थोड़ा सा सब ने केयर की थी तो घर में ही था सब। सही जी, इस तरह से आपने टाइम बस घर में, लेकिन घर में आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही, आपके घर वालों की एक्टिविटीज़ क्या? घर में हम लोगों ने मेजोरिटी हम लोगों ने यही किया था कि हम इवनिंग में जीतो पाकिस्तान की जो सारी गेम्स होती हैं हम लोग वो खेलते थे। अच्छा। बच्चों के साथ। सही, तो इस तरह हम लोगों का टाइम स्पेंड हो जाता था, कभी मतलब बोर्ड गेम्स खेली, कुछ इस तरह के गेम्स खेल के हम लोग टाइम स्पेंड गेम्स खेल कर टाइम स्पेंड किया गया। ठीक, और रमजान भी था तो कोई कुकिंग शुकिंग की? हाँ जी, रमजान थी तो कुकिंग शुकिंग की, रमजान था करने की, रमजान जी जी रमजान था, नहीं थी नहीं बोला मैंने, थे आप बोला। अच्छा, रमजान था तो उसमें कुकिंग इतनी नहीं की मैंने। सिस्टर्स का शौक है? नहीं, शौक है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। खाने का शौक है? हाँ, खाने का शौक। ये मेरे जैसे लोग है ना जिनको कुकिंग का शौक है, खाने का बहुत शौक। हाँ जी, क्या पसंद है सबसे ज्यादा खाने में? खाने में मुझे ज़्यादातर मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाए, स्नैक्स वगैरह टाइप हो जाए। अच्छा, स्नैक्स खाने में स्नैक्स पसंद है? हाँ, बस ऐसे स्नैक्स टाइप चीज़ें ज़्यादा पसंद। ईद कैसे गुजारी? ईद मैंने कैसे गुजारी, ईद बस ऐसे ही सब इकट्ठे हुए हुए थे सिस्टर्स वगैरह और उन्हीं के साथ। अच्छा, इस तरह से आपने ईद गुजारी। अभी आप किस खुशी में एम्पोरियम मॉल है? बस ऐसे ही आए कि पता चला एम्पोरियम मॉल ओपन है तो चले, हमने कहा चले थोड़ा सा राउंड अप करके आए। अच्छा, सिर्फ आप चक्कर लगा कर और सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, विंडो शॉपिंग नहीं, बस थोड़ा बहुत खाने वगैरह के लिए। अच्छा, खाने के वैसे यहाँ पर फूड कोर्ट बंद है लेकिन छोटे छोटे कियोस्क वगैरह ओपन है। जी, कियोस्क ओपन। तो बिला वजह आप घर से बाहर निकली हैं वैसे? जी, ये कोई तुक नहीं था ना मजबूरी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसी थोड़ा सा एंजॉयमेंट होनी चाहिए। हाँ, और खुद को आप सेफ रख कर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, मास्क पहने हुए हैं, जैसे आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, बट यू कैन आल्सो वेयर ग्लव्स, तो इस तरह से आप अपनी एहतियात कर सकते हैं। सही, ईदी कितनी मिली? ईदी सबसे डिफरेंट मिली है लेकिन काफी। कलेक्टिव कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 15-20 तो हो गई है। 15-20 हो गई है। हाँ जी, 15-20 का क्या करना अभी तक तो ऑलमोस्ट सब स्पेंड हो गया। कपड़े ना भी खरीदना? कपड़े नहीं खरीद रहे, कपड़े खरीद के बाद तो कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए अभी तो बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट ये चीजों पे ही खर्च की है बच्चों के लिए, पॉपकॉर्न पे बंदा। नहीं नहीं, अभी तो आज तो ईद का फोर्थ डे हो गया, ईद तो अब खत्म भी हो गई है। हाँ। तो नहीं, बच्चों वगैरह के लिए चीजें लेके उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके। अच्छा, ठीक है, चलें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? अस्सलाम, मेरा नाम सबीना। सबीना, सबीना का मतलब? सबीन। सबीन, सबीन का मतलब? सुबह की ठंडी हवा। सुबह की ठंडी हवा, क्या करती हैं सबीना? मैं फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही थी लेकिन अब कोरोना हो चुकी हूँ। कोरोना आ गया तो आपको खुद ही से ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट कर दिया गया। सही हो गया, तो आपको लगा कि कोई हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब बैठे बैठाए प्रमोट हो गए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी एक अपनी एंजॉयमेंट, एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है ये। वाकई डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये था कि सारा साल इतनी स्ट्रगल की तो एंड पे था कि कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिले। लेकिन मैं कोई बात नहीं, खुद ही से प्रमोट हो गई, पेपर भी ना देने पड़े। लेकिन वो जो अपनी एक मेहनत का होता है ना, वो फिर अपना ही होता है। वैसे बात अच्छी है, जो अपनी मेहनत के बाद चीज मिलती है उसका मजा ही और होता है। तो बैठे बैठाए आपको रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे मेहनत करके अपना आप बनवा सकते हैं। सही, अभी आप किस चक्कर में आई हुई हैं एम्पोरियम? ऐसे ही हम फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड, क्योंकि फैमिली के साथ घर पर टाइम नहीं स्पेंड होता। 2 months के से काफी घर में बैठ बैठ के बाउंड हो चुके थे, तो ऐसे सोचे चलो कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चेंज हो जाएगा एम्पोरियम मॉल में आके, कुछ चेंज हो जाएगा। सही हो गया, तो अभी आप यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं? हाँ, शॉपिंग वगैरह देख रहे हैं। देख रहे हैं, शॉपिंग देखते भी हैं? अभी देखेंगे तो लेंगे ना। अच्छा, ठीक है, तो वो चीज़ें देखें ना, शॉपिंग देखते थोड़ी शॉपिंग तो करते हैं। हाँ, ठीक है, सही हो गया। ईद पर ईदी कितनी मिली? अराउंड अबाउट 10,000। 10,000 का क्या करना है या कर लिया है? अभी तो कुछ किया तो नहीं है, बट अपनी ही एक्सेसरीज लेंगे। सही हो गया। और ये ईद पर मेहंदी कहाँ से लगवाई, सलोन गए या घर पर ही लगवाई? सलोन पे। सलोन पर लगवाई, यानी आपने दिल निकाल लिया, हौसला पैदा कर लिया कि अगर मैं सलोन चली जाऊं तो खुदा ना खास्ता मुझे कोरोना भी लग सकता है? नहीं,
अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स थी। अच्छा चलें, प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ये सैलून गई। अच्छा, सिर्फ मेहंदी लगवाई है और भी कोई हेयर कट वगैरह करवाया? या हेयर कट भी करवाया था, somehow अपना सैलून है। अच्छा, somehow अपना सैलून है, ये पहली दफा सुना है कि somehow अपना सैलून मदर का सैलून। अच्छा, तो फिर वो अपना ही हुआ ना, ये क्या बात है, somehow अपना सैलून है फिर मदर का सैलून। अपना नहीं मतलब, अपना तो है लेकिन फिर भी somehow मैं तो उसे रन नहीं करती ना। somehow तो somehow अपने सैलून से आपने हेयर कट भी करवाया और somehow अपने सैलून से आपने मेहंदी भी लगवाई। सही, ठीक हो गया। तो आपकी अम्मा का सैलून है तो आपने उनसे कोई स्किल्स नहीं लिए, कोई मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का या इस तरह के तो नहीं लिए, लेकिन जो खुद को कर सकूं, लाइक अपना मेकअप कर सकूं और अपने लिए बस जो एडवांटेज हो वो कर सकती हूं और किसी का नहीं। चल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज शहरोज। शहरोज, शहरोज क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ फाइनल सेमेस्टर। तो क्यों ऐसे लगता है कि जो मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ता है उसको कुछ और नहीं मिलता तो मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ लेता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, चॉइस ऑफ गोल्स पे भी ये डिपेंड करता है और इंसान। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले इसका स्कोप ज़्यादा था अब कम होता जा? एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसका कोर्स जो था ना पहले, स्कोप इसका वाकई पहले बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सेंसरशिप भी हो गए, मीडिया के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। हाँ। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो मीडिया एथिक्स का ना होना। अच्छा। तो इंशाल्लाह आई थिंक सो कि ये बेहतरी रहेगी, ठंडी होगी तो सारे अच्छे लोग आगे आएंगे। मैंने आपसे ये पूछा है कि स्कोप नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे मीडिया की छांटी और कोई भी, क्या कोई भी कोई भी कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसका स्कोप नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है कि इसका स्कोप है? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो आप आगे मीडिया स्टडीज के बाद क्या करना पसंद करेंगे? मैं इंशाल्लाह आगे एमफिल करूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एमफिल के बाद फिर आप कहेंगे पीएचडी करेंगे, लेकिन प्रोफेशनली आप क्या करना चाहते हैं? प्रोफेशनली मैं टीचिंग में जाना चाहता हूं ना। अच्छा, टीचिंग में जाना है, ये अच्छी बात है। हाँ, टीचिंग साइड पे फिर भी आपको मार्जिन मिल जाता है। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं कि छुट्टियां आजकल आपको हुई नहीं है, मज़ा आ रहा है? इस तरह की अनएक्सपेक्टेड छुट्टियों का भी मज़ा आता है? मज़ा आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। सही हो गया। तो ये जो लॉकडाउन वाला सिचुएशन थी इससे पहले और अभी भी उस तरह से आप इंजॉय नहीं कर सकते, अभी भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जा सकते, तो ये जो सारा टाइम है ये आप कैसे गुजारते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा? ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा ज़ाहिर है फैमिली के साथ गपशप करते हैं, जो इंडोर गेम्स हैं उनको इंजॉय करते हैं, सोशल मीडिया को इंजॉय करते हैं। सही। और उसके अलावा बुक्स वगैरह। अच्छा, बस ये मुझे आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिल रही है, बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा हम गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली के साथ आप गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया बस उसकी हमें एडिक्शन तो है लेकिन जो गेम्स हैं, जो एक दूसरे से बातें करना है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपने इंडोर गेम्स में कौन सी गेम खेली? हम मोस्टली जो है ना वो लूडो खेलते हैं फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा, लूडो खेलते हैं, तो कभी लूडो उल्टाई भी है? जो हारने वाले होते हैं लूडो उल्टा दो? बचपन में होता था ऐसा, अब तो खैर नहीं होता। अच्छा, अब क्या होता है? अब बस जो जीत जाए ये सब विनर। चीटिंग करते हैं लूडो में? कभी 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 कभी। चलें, आज से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अदील अहमद खान। अदील अहमद खान, अदील आप क्या करते हैं? जुनेद जमशेद में होता हूँ मैं, परफ्यूम डिपार्टमेंट में। अच्छा ठीक है, आप जॉब करते हैं और यहाँ पर ही जॉब करते हैं? यहाँ पे नहीं करता मैं, आउटलेट पे होता हूँ, डिफरेंट आउटलेट। अच्छा, डिफरेंट आउटलेट, मॉल में नहीं होता। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो ऑब्वियसली आप भी घर पर ही होंगे? डेफिनेटली, ठीक है ना। सॉरी, 45 डेज के लिए जो है वो घर में ही थे। 45 डेज, जबरदस्त। मौजें की या तंग आ गए थे? एक्चुअली जो जॉब होल्डर होते हैं वो कभी भी मौजें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी मतलब जॉब कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसी वैसी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें बहुत अजीब लगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल पर कोई काम शाम चलते रहे आपकी? नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं, कुछ ऐसा स्थान नहीं, एक्चुअली हम घर में ही रहे। बट हाँ, कंपनी की तरफ से सपोर्ट बहुत थी कि हमें वो उस पीरियड के दौरान उन्होंने पे जरूर की। घर पर भी हैं अगर आप, तो जो पे वगैरह है वो ऑन टाइम दे दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। लेकिन वो जो आपका घर वाला टाइम था 45 डेज, लॉन्ग टाइम, ये कैसे स्पेंड किया?
45 डेज फैमिली के साथ, डेफिनेट माँ है घर में, वालिद है नहीं, छोटा भाई है, बहन है, और सिस्टर को भी ऑफ हुए हुए थे यूनिवर्सिटी से, तो वो एक गैदरिंग बनी रही है। हाँ डेफिनेट वो बहुत अच्छा लगा। हाँ कोई गेम्स वगैरह खेले? मैंने शायद 12 साल में ये पीरियड गुजारा है घर। Somehow, ये एक लेयर टाइम तो था कि आप अपनी फैमिली के करीब आ सकें, उनको जान सकें और उनके साथ मजे से टाइम। उसमें ये होता है ना कि आप देखें, मतलब एक तो जॉब की टेंशन, लेकिन दूसरी तरफ आप रिलैक्स इसलिए ऐसे होते हैं कि आप अपने घर में एटलीस्ट सेफ हैं। तो इस तरह से आपने फैमिली के साथ गुजारा। और कोई स्पेशल एक्टिविटी, कोई अपना स्किल एक्वायर किया हो? कुछ नहीं। ईद की शॉपिंग कोई शादी नादिर हुई थी, मतलब कोई प्रॉपर नहीं हो सकी। अच्छा नहीं हुई। हाँ, क्योंकि बिफोर ईद शॉप्स ओपन हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें कंटिन्यू करना पड़ा जॉब को। सही। तो आप तो अपने ब्रांड से भी आपको तो डिस्काउंट वगैरह मिलता है 25% का, तो खुद वहां से शॉपिंग करी। सिलेक्टिव हुई थी आपके लिए, कुछ बचा ही नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो जो लोग थे ना वो बड़े बेचैन हुए थे। उन्होंने एसओपीस को डैमेज किया, और वो नहीं एसओपीस को तो डैमेज किया, लेकिन किसी को जब मौका मिले, स्पेशली खवातीन को इतने अरसे बाद शॉपिंग करने का, फिर आपके लिए तो कुछ रहा ही नहीं होगा। यहाँ वो ऑफ के बाद हमारा कुछ होता ये है कि हमें मतलब एंड वाले डेज में टाइम मिलता है लास्ट डे कि हम अपने लिए कुछ ले लें, तो फिर वही ले लेते हैं जो बच गया हो। अच्छा बचा वाले पहले से ही आप कह सकते हैं हमारा है, सेलेक्ट नहीं कर सकते। वो कस्टमर ऑलवेज मतलब वो फर्स्ट पे होते हैं हमारे लिए, तो हमें उसको ज़्यादा मतलब देखना होता है। बनिस्बत है कि मैं अपने लिए एक चीज़ लेके रखूँ और मैं कस्टमर को ना दूँ, तो चले। इस तरह से आपने शॉपिंग वैसे कर ही, ठीक है ठीक। तो ऑनलाइन बिजनेस चलते रहे वो कैसे? ऑनलाइन ऑनलाइन वैसे मैंने सुना था कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बड़ी देर बाद उन्होंने डिलीवर किया, उसी क्या रीज़न थी? TCS एक्चुअली वो कोरियर सर्विस की इशू थे, मतलब आपने खुद नहीं जाना, आपने TCS से लेवर को कहना है तो वो डिलीवर करना है, तो देन उनके एंड पे था कि वो डिले हुए थे। आउटलेट से 3 to 4 days का जो टाइम था उसी के दरमियान में डिलीवर करवाने के, वो उनके एंड पे लेट हुए। अच्छा आप दिल करते हैं, कुछ लोग मैंने अभी भी ऐसे देखे हैं जो चाह रहे हैं कि काश लॉकडाउन रहे, ये छुट्टियाँ रहे, तो आपका दिल ऐसा है? छुट्टियाँ रहे ये नहीं दिल है, ठीक है, अगर आपने बचना है तो आप घर पे रह लें। हाँ बिल्कुल, तो ख्याल है कि लॉकडाउन बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा दोबारा से लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल अब होगा नहीं, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन दोबारा जो अभी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, मतलब डेथ का और कोरोना केसेस का, तो अभी तक जो मेरी जिनसे बात हुई उनका ये है कि ये हो जाएगा। अच्छा जी दोबारा से लॉकडाउन होता है, लेकिन चलें होप फॉर द बेस्ट, जो हो अच्छे के लिए हो, सबके अच्छे के लिए हो। कल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये तो था आज का प्रोग्राम, और आज हम आए थे एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनसे हमने उनके एक्सपीरियंसेस जाने लॉकडाउन के, क्वारंटीन के, और फिर शॉपिंग के, और अभी वो लोग क्या कर रहे हैं। और एम्पोरियम मॉल आने का मकसद ये था कि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं, सो हम भी सेफ़ हैं, जितने लोग आ रहे हैं वो भी सेफ़ हैं, मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा, और स्क्रीनिंग के बाद अंदर आने दिया जा रहा है, मास्क लाजमी पहनना है, ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। सो इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर SOPs फॉलो हो रहे हैं, और हर एक की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जा रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपीरियंसेस जाने लोगों से, आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा फिर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।